लंगूर भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले एवं सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले प्राइमेट्स का समूह है। इनका वैज्ञानिक नाम सेमनोपिथिकस एंटेलस है। भारत के अलावा ये भारत के पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं। शरीर में बालों का रंग भूरा होने के कारण इन्हें भूरा लंगूर अथवा ग्रे लंगूर भी कहा जाता है। वृक्ष में एक टहनी से दूसरे टहनी तक कुशलतापूर्वक कूदने की अद्भुत क्षमता प्रकृति ने इन्हें प्रदान किया है। लंबी पूंछ इन्हें संतुलन बनाने में सहायता करती है। पूंछ की लंबाई हमेशा शरीर की लंबाई से अधिक होती है। वृक्षों पर कुशलतापूर्वक कूदने की प्रकृति इस समूह का स्वाभाविक गुण है। शरीर का रंग भूरा, चेहरे, कान, हथेलियां एवं पांव का रंग काला होता है। किसी समय इनके पूर्वज मनुष्य के पूर्वजों के समीपस्थ हुआ करते होंगे। वृक्षों पर सरलतापूर्वक कलाबाजियां करने की अद्भुत क्षमता इस समूह की विशेषता है। वैसे तो लंगूर शाकाहारी होते हैं, किंतु कभी कभी ये कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। लंगूर जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं, किंतु वर्तमान में हो रही जंगलों की अत्यधिक क्षति के कारण इनके आवासीय क्षेत्र सीमित होते गए हैं, जिसके कारण ये कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा शहरी क्षेत्रों में भी आ धमकते हैं। लंगूरों में मादा के शरीर का वजन औसत रूप से 11 किलोग्राम तथा नर के शरीर का वजन औसत रूप से 18 किलोग्राम तक होता है। कभी कभी नर के शरीर का वजन 20 किलोग्राम से अधिक भी हो सकता है। जब ये अपने भारी भरकम शरीर को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छतों पर कूदते हैं, जो छत खपरेल के बने होते हैं, उनके टूट जाने से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। टूटे हुए खपरेल को ठीक करने में लोगों को अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता होती है। तथापि लोग इन्हें मारते नहीं हैं। भारत में इन्हें हनुमान लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये हनुमान जी के स्वरूप अथवा सहचर हैं। कुछ लोग इन्हें केले, मूंगफली, बैंगन, टमाटर इत्यादि खाने को भी देते हैं।
हाँ, इनका एक बहुत बड़ा समूह जब खेतों में प्रवेश कर जाता है, तब किसान को अत्यधिक आर्थिक हानि होने की संभावना रहती है। धान को तो ये विशेष नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु बैंगन, आलू, टमाटर, मिर्च इत्यादि के खेतों में ये अत्यधिक नुकसान कर बैठते हैं। इन सब्जियों के न केवल ये फल खा जाते हैं, अपितु पत्तों को भी तोड़कर चट कर जाते हैं। साथ ही इनके कूदने से फसली पौधों के तने भी टूट जाते हैं। फिर मूंगफली का क्या? जी हाँ, ये मूंगफली तक को कुशलतापूर्वक उखाड़ कर खा जाते हैं, और कभी-कभी मूंगफली का पौधा खड़ा ही रहता है और उसकी जड़ के पास खोद कर मूंगफली तोड़कर खा जाते हैं। दलहन जैसे अरहर, मूंग इत्यादि की न केवल फलियों को खाते हैं, अपितु पत्तों व फूलों तक को ये खा जाते हैं। इसके कारण किसानों को अत्यधिक नुकसान भी सहना पड़ता है। फिर भी इन्हें टीपे की आवाज़, पटाखों की आवाज़ अथवा गुलेल से डराकर भगाया जाता है। इन्हें मारना अत्यधिक अशुभ समझा जाता है। वैसे भी प्रकृति में किसी भी जीव की हत्या करना उचित नहीं। सभी जीव को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। वैसे भी मनुष्यों ने अनेक जीवों के आवास को नुकसान पहुंचाया है, अतः हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। यह वानर बबूल की एक विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष पर बैठा है। कोमल पत्तियों के साथ उसकी फलियों का भी आनंद ले रहा है। जो वानर जंगलों में रहने के आदि होते हैं, वे अपने आसपास मनुष्य की उपस्थिति अधिक पसंद नहीं करते, परंतु जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय तक रहने लग जाते हैं, तब ये तनिक ढीठ प्रकृति के हो जाते हैं। आम, अमरूद, केले इत्यादि इनके प्रिय फल हैं। आज इनके हाथ अमरूद का एक पेड़ लगा है जो फलों से लदा हुआ है। यह टोली आज भरपूर इस फल का आनंद लेगी। समूह के कुछ सदस्य वृक्ष पर ऊपर बैठे हुए हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। नीचे गिरते फलों को मादा खा रही है, बच्चा अन्य बच्चों के साथ उछल कूद कर रहा है। वृक्ष के ऊपर उछल कूद का प्रारंभिक अभ्यास खतरनाक साबित हो सकता है, अतः छोटे बच्चे जमीन पर ही उछल कूद का अभ्यास करते हैं। हाँ, कम ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर उछल कूद का यह अभ्यास अधिक सुरक्षित है। जिस पौधे पर ये उछल कूद कर रहे हैं, बायोडीजल बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यह रतनज्योत का पौधा है जिसके ऊपर यह बच्चा उछल कूद का अभ्यास कर रहा है। मनुष्य जाति के लिए रतनज्योत के बीज खाद्य नहीं है, परंतु ये जीव प्रकृति के अत्यधिक निकट हैं। कौन सी वस्तु इनके लिए खाद्य है व कौन सी अखाद्य,
इसकी इन्हें भली भांति जानकारी है। इस ग्रुप में अथवा इस समूह में मादाओं की संख्या अधिक है, कुछ के अपने बच्चे हैं व कुछ मादाएं गर्भवती हैं। इनका गर्भकाल औसत रूप से 198 दिवस का होता है। मादा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। बच्चा कुछ महीनों तक माँ के पेट से ही चिपका रहता है, उसी के संरक्षण में रहता है। कोई भी बच्चा जितनी सुरक्षित अपने माँ के गोद में महसूस करता है, उतना सुरक्षित और कहीं संभवतः नहीं। रतन ज्योत का यह कम ऊंचाई का पौधा उछल कूद के इस अभ्यास के लिए उचित है, और यह अभ्यास क्यों न हो। आखिर इस तरह उछलना कूदना यही तो इस प्रजाति की विशेषता है। सामने एक और सदस्य। कहते हैं कि जिन प्राणियों से मानव जाति का विकास हुआ है, वे भी कभी इसी तरह वृक्षों पर निवास करते थे और चार पैरों पर चलते थे। विकास के क्रम में मनुष्य दो पाया हो गया है। जंगलों में इनके कई शिकारी रहते हैं। यह क्षेत्र जंगली तो नहीं है, परंतु यहाँ भी कुत्ते, सियार और अजगर इत्यादि इनका शिकार कर सकते हैं। ये वृक्षों में अधिक सुरक्षित रहते हैं। जमीन पर कुत्ते, लोमड़ी, सियार इत्यादि इनका शिकार कर सकते हैं। ये अत्यधिक सतर्क रहने वाले जीव हैं। भूमि पर जब रहते हैं तब भी इनकी सतर्कता कम नहीं होती। खतरे का जरा सा आभास होने पर बच्चा माँ के पास चला जाता है और माँ बच्चे को लेकर के तुरंत वृक्ष पर चढ़ जाती है। यह एक गर्भवती मादा प्रतीत होती है जो भोजन के लिए फिर इसके इस पेड़ पर चढ़ गई है, किंतु दूसरे सदस्य को शायद इसका इस तरह से चढ़कर आना पसंद नहीं आया। शायद वह भोजन को बांटना नहीं चाहती थी। यह मादा पत्तों को तोड़ तोड़ कर पेट भर रही है ताकि बच्चे के लिए पर्याप्त दूध उपलब्ध हो सके। यह वही गर्भवती मादा प्रतीत होती है जो पत्तों से अपना पेट भर रही है ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का उचित देखभाल हो सके। माँ के समीप बच्चा अत्यधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। यह क्या, अरे यह तो सामने वाले का संतुलन ही बिगाड़ दिया। अत्यंत
स्वच्छंद प्रकृति के ये जीव अपने लिए कभी घर नहीं बनाते। जिस वृक्ष पर ये डेरा जमाते हैं उतने समय के लिए वो वृक्ष ही इनका घर हो जाता है। इस बच्चे का ध्यान भोजन में कम और उछल कूद करने में अधिक है। कुछ समूहों में एक ही नर होता है एवं कुछ समूहों में एक से अधिक नर पाए जाते हैं। She is pregnant. सर्दी हो, गर्मी हो अथवा बरसात, समस्त प्राकृतिक अवस्थाओं को सहन करने की क्षमता प्रकृति ने प्रदान करती है। ये जीव प्राकृतिक हैं, प्रकृति के अनुरूप रहते हैं, प्रकृति के अनुरूप ढलते हैं। एक बच्चा जो माँ से बिछड़ा हुआ था तुरंत दौड़कर माँ की छाती से लग गया। ममत्व का एक सुंदर दृश्य। बच्चा माँ के पास खेलता हुआ कभी जाकर के वृक्ष पर चिपकता है, कभी दूसरे वृक्ष पर, कभी इधर देखता है कभी उधर। आखिर यह समय तो ही खेलने कूदने का है, तो इसका आनंद क्यों न लिया जाए। चाहे माँ की पीठ पर कूदा जाए, चाहे वृक्ष पर। हाँ, आसपास मंडराने वाले खतरे के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है। समूह में एक साथ रहना अधिक सुरक्षित है। तेजी से भागते हुए ये सदस्य, जैसे किसी ने इन्हें एक साथ भगाया हो। जब विशाल झुंड एक खेत में घुस जाता है तब उस खेत का अच्छा खासा नुकसान कर देता है, जिसके कारण किसान इन्हें भगाने का ही प्रयास करते हैं। भला कौन चाहेगा एक लंबे समय से परिश्रम करके खेतों में फसल उगाए जाए और इस तरह से लंगूरों का एक झुंड जा करके उसे नुकसान कर दे। बच्चा माँ के पेट से लटका हुआ है और माँ तेजी से आगे जा रही है। संभवतः कोई किसान इन्हें फिर से अपने खेतों से भगा रहा है। थोड़ी दूर तक दौड़ना, फिर सुस्ताना, फिर उछल कूद इस वृक्ष से उस वृक्ष तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चरैवेती चरैवेती, सदा एक जगह से दूसरे जगह तक चलते रहना।